शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 87 अंकों की गिरावट के साथ 61,663 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 36 अंक बढ़कर 18,307 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लगातार दूसरे दिन बाजार गिरावट में बंद हुआ और आज HCL, टेक, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, इंफोसिस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक समेत 14 शेयर निफ्टी के टॉप गेनर रही, जबकि बजाज ऑटो, NTPC, बजाज फाइनेंस, मारुति, सिप्ला, कोल इंडिया समेत 35 शेयर निफ्टी के लूजर्स रहे। वहीं सराफा बाजार में आज सोने चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 52,953 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। आखिर जबकि जो चांदी की बात करें तो ये 61,320 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ है।